एक्सपोनेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सहरसा से निकलकर सामने आ रही है, जहां अपराधियों का तांडव कुछ इस तरह बरपा है कि ओपी अध्यक्ष और दरोगा को अपराधियों ने जमकर उनकी पिटाई की है। इतना ही नहीं, सरकारी पिस्टल भी छीन लिया है। तो देखिए, बिहार में आए दिन अपराधियों का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन बिहार में अपराधियों ने पुलिस व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को और कानून व्यवस्था को अपने ठेंगे पर ले रखा है, और ऐसा लग रहा है कि बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद और पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरता और टूटता नजर आ रहा है। और बड़ी खबर आती है सहरसा से, जहां अपराधी इस एक मामले में ऐसे गरमाते हैं कि ओपी थाना अध्यक्ष को ही पकड़कर पीट देते हैं, दरोगा की जमकर पिटाई लगा देते हैं, और इतना ही नहीं सरकारी पिस्टल भी छीन लेते हैं। सहरसा के सौर बाजार में बदमाशों ने शनिवार शाम गश्त पर निकले बैजनाथपुर ओपी अध्यक्ष अरमोद कुमार व दारोगा अरुण कुमार को घेर कर मारपीट की और सरकारी पिस्टल तक छीन लिया। इस हमले में ओपी अध्यक्ष अरमोद कुमार व दारोगा अरुण कुमार बुरी तरह घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये पूरी जो घटना है वो सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के खजूरी पंचायत स्थित भगवानपुर गाँव की है। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची, हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नव पदस्थापित बैजनाथपुर ओपी के अध्यक्ष अरमोद कुमार अपने साथी दरोगा अरुण कुमार और दो चौकीदार के साथ दो बाइक पर संध्या गश्त के लिए निकले थे। इस दौरान बलचोलहा भगवानपुर गांव के पास उन्होंने शक के आधार पर एक युवक की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसके विरोध में उक्त युवक के 8-10 सहयोगियों ने पुलिस को घेर लिया और मारपीट करनी शुरू कर दी। हंगामा सुनकर पास के टोले से बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। इसके बाद बदमाश हथियार लेकर वहां से भाग निकले। मारपीट के दौरान ओपी अध्यक्ष के साथ रहे दरोगा व चौकीदार को भी चोट आई है। घटना के दौरान गोली चलने की बात भी कही जा रही है। सूचना पर सहरसा सदर सौर बाजार पत्थरघट सोनवर्षा राज समेत कई थानों की पुलिस भगवानपुर गांव पहुंच गई। बता दें कि अब एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के अनुसार गश्त के दौरान संदेह होने पर दो युवक को रोक कर तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में एक राउंड गोली चलाई। मारपीट के दौरान सर्विस पिस्टल गिर गया, जिसे बरामद कर लिया गया। तो देखिए, बड़ी खबर आती है सहरसा से, जहां देर शाम पुलिस जो है वो संध्या गश्त के लिए यानी गश्त के लिए निकलती है, और बस उस वक्त ओपी अध्यक्ष और दरोगा जो है उन्हें एक युवक पे शक होता है। वो जब तलाशी लेने लगते हैं तो उस युवक के साथ ओपी अध्यक्ष और दरोगा की बहसबाजी शुरू हो जाती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि फिर उस युवक के 4-5 साथी पहुंच जाते हैं, उन सबके साथ मारपीट होने लगती है, और फिर गांव वाले अचानक वहां जो है मौजूद हो जाते हैं और ओपी अध्यक्ष और दरोगा की जमकर पिटाई करने लगते हैं, उनकी धुनाई करने लगते हैं। इतना ही नहीं सरकारी पिस्टल तक छीन लेते हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच के लिए जुटी हुई है। उक्त दरोगा और साथ ही साथ दो चौकीदार और ओपी थाना जो अध्यक्ष हैं उन्हें अब अस्पताल में जांच के लिए भर्ती करवाया गया। उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। जो कुछ कोई भी अपराधी जो है वो पकड़ाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर।